वेलकम बैक माय चैनल। पार्ट टू भी मैं लेके आ गई हूँ। तो इस तरीके से मेकअप किया है, आई मेकअप आप देख सकते हो। मैंने 10 रुपये वाला आई पेंसिल यूज़ किया है, ब्राउन कलर, और अच्छे से आईब्रो को शेप दिया है, और दोनों आईब्रो साथ के साथ मैं करती चली हूँ गाइस। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने आई मेकअप में। तो आई मेकअप के लिए मैंने ग्रीन लुक रखा है यहाँ पर, और पहले तो मैंने ब्राउन शेड को पिक किया है, और अच्छे से जो हमारे आइज़ के जो बोन एरिया होता है, इनर टू आउट कॉर्नर, आउट कॉर्नर टू इनर, अच्छे से मैंने इसको ब्राउन से किया है। इस तरीके से कलर को अप्लाई किया है दोनों आई में। तो इस तरीके से हम अपना आई मेकअप रेडी करेंगे। तो दोनों में जब ब्राउन कलर हो जाएगा गाइस, तो हम लेंगे SFR का ये पैलेट है, आई शेडो पैलेट ग्रीन कलर। इसमें शेड बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, और जो आई शेडो वो भी काफ़ी प्यारा है गाइस। तो इस तरीके से मैंने ग्रीन अप्लाई किया है, दोनों आईज़ को साथ के साथ करती चली हूँ कि जो हमारा टाइम है वो बचेगा। तो इस तरीके से मैंने ग्रीन जो होता है डार्क ग्रीन लेके अप्लाई किया है। उसके बाद मैं इसमें लूँगी सिमर, ये थोड़ा ग्रीन भी है, येलो टोन में है। तो सिमरी आई शेडो लेके मैं आई बॉल पर अप्लाई करूँगी। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो मैंने तो फिंगर यूज़ किया है, बाकी आप जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं ब्रश या किसी भी, तो जो हमारा एंड का फिंगर होता है कानी उंगली, उसको लेके हम इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। तो इसको अच्छे से लगाने के बाद दोनों आईज़ में मैंने फिर एक और शेड लिया है, वो है डार्क सिमर। तो उसको मैंने पिक किया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं दोनों को उसी जगह पर लगाया, दोनों कलर को अच्छे से मिक्स किया है कि थोड़ा उभर के आएगा आई शेडो। और इस तरीके से आई शेडो लगा के मैंने अच्छे से जो आई मेकअप लुक है कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से मैंने आई मेकअप कंप्लीट किया, दोबारा से ब्रश लेके अच्छे से सारे आई शेडो को मिक्स कर दिया कि कोई भी हैश लाइन नज़र ना आए। उसके बाद आ जाएंगे हम अपने लाइनर पे। तो लाइनर जो है मैंने आई को छोटा, जो आई लाइनर है उसको छोटा ही रखा है, लॉन्ग विंग नहीं लगाया मैंने। और इस पर जो आई का मेकअप है थोड़ा डिफरेंट किया है मैंने, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आई लाइनर लगाएंगे, दोनों आईज में मैंने लगाया, साथ के साथ मेकअप करती चली हूँ, दोनों आई में गए। तो इस तरीके से हम लगाएंगे आईलाइनर। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने जो आईब्रो पार्ट होता है उसे हाईलाइट करने के लिए, उभारना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको उभारा है हाईलाइटर लगा के। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने लो लेसेस पे। तो जो काजल एरिया होता है लो लेसेस, वहाँ पर हम ग्रीन हल्का से लेके पतला ब्रश लेके वेगा का उसे अच्छे से हम अप्लाई कर लेंगे, और मैचिंग का करते हुए मैं करती हूँ, अपना अपना चॉइस है गाइस। उसके बाद हम लगा लेंगे काजल। तो इस तरीके से काजल अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद हम आ जाएंगे मस्कारा पे। तो जो मस्कारा होता है उसे लो लेसेस अपर लेसेस में मैंने अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद फेक लेसेस जो होता है गाइस वो मैं लगाऊँगी। तो मस्कारा अच्छे से लगाने के बाद और जो फेक लेसेस है इसको मैंने दोनों आईज में लगा लिया है। तो बहुत इजी तरीके से फेक लेसेस लग जाता है गाइस। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया है आई लुक को, अच्छे से लगा लिया है। तो आपको ध्यान से लगाना होता है कि इधर उधर ना हो, अच्छे से आप सेट कर लीजिए। उसके बाद मेकअप फिक्सर से, फिटमी का मेकअप फिक्सर है गाइस, इसे अच्छे से हम स्प्रे कर लेंगे और ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डैब डैब कर लेंगे। तो मैंने उसको अच्छे से मेकअप को फिक्स कर लिया है, और ये जो लिप कलर है मैंने डार्क शेड अप्लाई किया है। पहले मैं सोची थी लाइट करूँ, फिर मैंने सोचा कि जब सारा मेकअप हो जाएगा तो जो लिप शेड होता है वो थोड़ा सा हटके लगेगा डार्क, इसलिए मैंने लगाया है। और ये जामुनी कलर है, ये जो हम जामुन खाते हैं वो कलर गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है ये कलर। और ये कलर सब पे चलने वाला है, सांवले डस्की स्किन फेयर मीडियम सब पे ये कलर चलने वाला है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा शेड है ये, तो मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब आ जाएंगे हम बिंदी पे। तो मैंने कुमकुम का बिंदी ना लगा के इस बिंदी को काट के मैंने इस तरीके से मराठी वाला
बिंदी जो है मैंने इसको बनाया है और लगा लिया है। उसके बाद आ जाएंगे हम नोच पिन पे। तो गाइस ये नोच पिन मैंने खुद बनाया है, आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। एक हम वायर लेंगे, अलग से आता है ये सब बनाने का वायर, तो उसको अच्छे से लिया है। और ये क्योंकि गाइस जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ये सब चीज़ें मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने खुद से बनाया है। तो ये मेरे पास जो मोती होते हैं वो पड़े थे कलरफुल, तो उसको अच्छे से मैंने इन दोनों में पियो दिया है। इस तरीके से हम इसको पियोएंगे, और ज़्यादा नहीं, बस 5-6 मोती को ग्रीन येलो रेड में लिया है मैंने, कि जो मेकअप है उससे थोड़ा मैच होता हुआ होगा। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों को पिन में डाल दिया है, जो तार होता है ये, और इसको अच्छे से पियोने के बाद मैंने इसको लॉक किया है। तो लॉक करने के बाद गाइस क्या होता है कि जो हमारा स्टिकर वाला आता है वो जो हार्ट शेप है रेड कलर का, वो मैं इस पर लगाऊंगी। और काफ़ी ब्यूटीफुल सा बना था ये जो नोच पिन है। तो इस तरीके से ऊपर से भी हम लॉक कर देंगे कि मोतियाँ जो हैं इधर उधर ना हो, और ग्लू की मदद से इस पर ये जो हार्ड है वो हम इसको चिपकाएंगे। ये आपको स्टिकर आते हैं इसके मिल जाएंगे गाइस, इस तरीके से आप इसको सेट कर लीजिए। और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिक है, आप हर बार इसे पहन सकते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल सा किया था मैंने। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया था, और छोटे छोटे घुंघरू डाल लिए थे इसमें, कि जो डाउन का हिस्सा है वहाँ पे ये घुंघरू टाइप में डाल के इसको बनाया है, और ताकि अच्छा लगे। तो इस तरीके से जो हमारा नोज पिन है मैंने रेडी कर लिया बना के। अब देखिए इसे मैं पहन रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने पहना है इसको, और आप बताइएगा कि कैसा लगा। तो ये गणेश चतुर्थी मेकअप लुक किया मैंने, और गले में मैंने सेट डाल लिया था, और ये फाइनल लुक है गाइस। होप ये मेकअप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर मेकअप अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।